हरियाणा के इन जिलों में बारिश के साथ हुई खूब ओलावृष्टि, जाने मौसम ताजा अपडेट। हरियाणा के कई जिलों में आज भारी बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि देखी जा रही है। आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा था, वहीं दोपहर में सिरसा, हिसार, दादरी समेत कई जिलों में ओलावृष्टि हो रही है। हरियाणा के 9 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम प्रणाली अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ को उत्तरी अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जाता है। इस चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर पश्चिमी अरब सागर तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण को अब पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान पर एक प्रेरित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी बिहार के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर असम पर है। 5 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ओर आ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी हुई। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी। उत्तर प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में हल्की बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट हल्की वर्षा हुई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों तक जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है और उसके बाद इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। आज 2 मार्च को उत्तरी और पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छिटपुट ओलावृष्टि संभव है और 3 मार्च को इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। 4 मार्च से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पूर्वी और दक्षिण पूर्व राजस्थान, पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 मध्यम बारिश हो सकती है। असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।